50 प्लस डिशेस जो खाना है और जितना खाना है खाएं। तंदूर रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है लंच बुफे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। सिर्फ स्टार्टर ही की बात करें तो स्पाइसी गार्लिक विंग्स या स्मोकी चिकन विंग्स, ढाका चिकन या डायनामाइट चिकन, सुप्रीमो क्लब सैंडविच या चिकन नगर्स, स्लाइडर, फ्रेंच फ्राइज, ये सब सिर्फ स्टार्टर में मौजूद है। अभी सूप, क्रैकर्स, सैलड बार जिसमें 10 किस्म के जो सिर्फ सैलड हैं, और पाकिस्तानी मज़ेदार डिशेज़ की बात करें तो पनीर रेशमी हांडी या शाही हांडी, चिकन कढ़ाई या चिकन निहारी, और चिकन या बीफ बिरयानी, दाल मखनी या मिक्स वेजिटेबल, दम का मज़ेदार सा कीमा या आलू कीमा, चना तरकारी, आलू तरकारी, ये तो हो गई इनकी पाकिस्तानी स्टेशन की कैटेगरी। और इन सब खानों को आप इंजॉय कर सकते हैं गार्लिक नान, प्लेन नान, पराठा या कचौरी के साथ। और अभी सी फूड में फ़िश एंड चिप्स भी मौजूद है। यहाँ पे बारबेक्यू में मज़ेदार टर्किश कबाब या लेबनीज बोटी, इटालियन में मैक एंड चीज़ पास्ता, चाइनीज़ में मंचूरियन या शाशलिक, वेजिटेबल चाउमिन, वेजिटेबल फ्राइड राइस और कई किस्म के सॉसेस जो लगा देंगे आपके खाने को चार चांद। जब इतना हैवी लंच बुफे होगा तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मीठा कहाँ गया, कहीं नहीं गया, यहीं पे मौजूद है। फ्रूट ट्राइफल, गुलाब जामुन, चॉकलेट फाउंटेन, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज, मार्शमेलो, इक्लेयर वेफर्स, चॉकलेट मूज, क्रीम कैरामेल, फ्लेवर्ड जेली, जी हाँ, और इतना कुछ सिर्फ 1299 पर हेड पे, और बच्चे 899 पर हेड पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। और याद रहे तंदूर ये लंच बुफे मंगल, बुध और जुमेरात को ऑफर कर रहा है दोपहर 2 से 4 के दरमियान। रिजर्वेशन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और इनकी हाई टी भी काफ़ी फेमस है जो कि जुम्मा हफ्ता इतवार को करवाई जाती है शाम 5 से 6:30 के दरमियान। डिलीवरी पे फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है जो वेबसाइट से ऑर्डर करने पे आप अवेल कर सकते हैं। आला कार्ट पे हमारे फॉलोअर्स को 15% का डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग दोपहर 1 से रात 1 की है और इवेंट्स की रिजर्वेशन भी यहाँ पर चल रही है। स्पेस की बात की जाए तो 170% रूफ टॉप पे और 90% डाइनिंग एरिया में मौजूद है। और रेस्टोरेंट की लोकेशन की बात करें तो 5-स्टार चौरंगी नॉर्थ नाजमाबाद में मेन रोड पर ही मौजूद है। और डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स और मैप की लोकेशन भी मौजूद है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नॉर्थ नाजमाबाद में मौजूद हूँ तंदूर रेस्टोरेंट पे। आप लोगों को हाईलाइट सारी चीज़ें पता भी लग चुकी हैं। तंदूर रेस्टोरेंट वैसे तो काफ़ी जो है वो प्रीमियम और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट लोग समझते हैं, डेफिनेटली है भी। डाइनिंग भी दिखा दूँगा आपको। जो प्राइसिंग अभी बुफे पे चल रही है वो मैं कहता हूँ कि जब आवाम में पता लगेगी और मेन कोर्स से इनके आइटम दिखेंगे इस प्राइस के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि अभी बुफे में कोई और ऑफर कर रहा होगा। तो एक काम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाए मेरे साथ चलते हैं भाई तंदूर रेस्टोरेंट के अंदर और इनका बुफे देखते हैं क्या सीन है। लंच बुफे ऑफर कर रहे हैं, है अभी मेन रोड के ऊपर तो आराम से फैमिली जा सकती है, पार्किंग का एरिया भी है। अस्सलाम वालेकुम, ये हम आ चुके हैं इनके जो है वो बिल्कुल एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस एरिया है। यहाँ पे जो है वो रिसेप्शन एरिया बने हुए हैं। अच्छा, आप लोग जो है वो लंच की टाइमिंग्स भी हम लोगों ने स्पेशली बता दी हैं, तो टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि जो है वो बैक टू बैक इनके पास लंच और डिनर सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपका ये जो फर्स्ट फ्लोर पर है ना, ये है तंदूर रेस्टोरेंट, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। इमरान भाई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? खैरियत से। यहाँ पे भाई फुल गैमे कभी चल रही है बुफे, आपने जो है वो लंच नॉर्थ के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। मेरे ख्याल से और अभी नॉर्थ में इतना कोई लंच में बुफे नहीं करा रहा, कहीं भी नहीं है, है ना? नॉर्थ में कहीं भी नहीं है। हाई टी भी हमने पहले स्टार्ट करी थी और लंच बुफे भी हमने सबसे पहले स्टार्ट करे। अच्छा, और अब तो माशाल्लाह अच्छा फीडबैक चल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक चल रहा है। 50+ डिशेज हमने लंच बुफे में स्टार्ट करी हुई, 50+ डिशेज हैं। अभी हमारी सर्विंग भाई बड़ी जबरदस्ती हुई है, एक काम करते हैं देख भी लेते हैं क्लोजली और उसके बाद फिर मैं रिव्यू करके बताऊंगा। मुझे बताएं भाई क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा, ये है सलाद सेक्शन हमारा पूरा, 10 किस्म के सलाद हमने सर्व करे हुए, आप पूरे दिखा सकते हैं। सलाद सेक्शन है जिसमें फ्रेश ग्रीन सैलेड, हैदराबादी सैलेड, रशियन सैलेड, सारे सैलेड इसमें मौजूद है। ये मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है भाई, तो मतलब आपने लोगों ने जो है वो मेन कोर्स पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। मेन कोर्स पे ज्यादा फोकस करना, नॉर्मली जो है वो आपके रिफ्रेशमेंट आइटम ज्यादा होते हैं। जो लंच बुफे डिनर बुफे, सूप दिखाएं भाई। अच्छा, ये आ गया चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल गर्मा गर्म। ओहो, इसको प्याले में निकालें जरा ताकि पता तो लगे। प्याले में निकालो थोड़ा सा, मैं निकालता हूँ, दिखा देना। अच्छा, ये जो है वो गर्म गर्म सूप स्टार्टर के अंदर बहुत जरूरी है, क्या बात है। और आगे बताएं क्या क्या चीज रखी। अच्छा, ये आ गई आलू तरकारी, आलू तरकारी हो गई, छोले की तरकारी भी होगी, चना तरकारी, ये आ गई छोले की तरकारी, सही है। इसका स्पून चना तरकारी, दाल मखनी है, सही है, दाल मखनी अंडी हो गई,
असल में हमने हर एक चीज़ कवर की है कि जैसे कि कुछ लोग वेजिटेरियन है, दाल वगैरह सब चीज़ हमने कवर की। मैं ना ये बहुत कम रेस्टोरेंट किसी रेस्टोरेंट के पास आपको नहीं मिलेगी, ये है पनीर रेशमी अंडी और हमारी स्पेशलिटी है, बहुत मजे वाली है ये पनीर रेशमी अंडी। नॉर्मली नहीं मिलती और बुफे में तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं। इसको कैसे कुलचे से कैसे तंदूर की, ये गार्लिक नान किसे आप कहेंगे, गार्लिक नान ये लीजिएगा, ये इसके लिए गार्लिक नान, ये है गार्लिक नान, गार्लिक नान चेक करें। साथ में क्लोज कॉम्बिनेशन है इसका, हाँ क्लोज कॉम्बिनेशन है। ये प्लेन नान है, ये कढ़ाई के साथ हमने रखे हैं। और जो आपके लिए आपने वो दिखाई है, ये कचौरी, कचौरी है, ये आप आएंगे आलू तरकारी चना तरकारी के साथ। सही है, ठीक है। और ये की कीमा, ये आ गया दम कीमा, दम का कीमा भाई जबरदस्त, ये दम कीमा आ गया। और जो खुशबू आ रही है, दिल चाह रहा है कि जो है अभी से शुरू हो जाऊं, मगर पहले मैं दिखा दूं। ये चिलमन बिरयानी हमारी स्पेशलिटी है, हमने अच्छा। सब स्पेशल आइटम ये चिलमन बिरयानी है, ये तो लोग इतने पसंद करते हैं कि हम स्पेशल कस्टमर के लिए बनाते हैं। मतलब चिलमन बिरयानी का कहने का मतलब क्या, मसालों का गेम है? नहीं, मसालों का गेम है, ये पूरे मार्केट में आपको ऐसी बिरयानी नहीं मिलेगी। तो ये क्या जो हम खाते हैं बॉम्बे बिरयानी, नहीं नहीं उससे हटकर है, ये बनती है हमारी पूरे मटके में बनती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर्विंग हम इस तरह करते हैं, बाकी अगर आप आएंगे हमारे पूरे मटके में सर्व होती है। अच्छा, हाँ तो ये चिकन चिलमन बिरयानी, चिकन चिलमन बिरयानी, तो ये आप लोगों ने नाम रखा है कि बाहर से कोई ड्राइव? हमने नाम रखा है, मैं वही सोच रहा हूँ कि यार हमने कराची में तो बिरयानी बहुत खाई है। अच्छा, ये मेरे काम की चीज़ एक और आ गई है, रेशमी कबाब। मैं इसको जो है वो देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आप दिखाएं पहले, आप बताएं कि ये लीजिएगा। तो रेशमी कबाब भाई, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो कि देखते साथ ही दिल चाह रहा है कि मैं ट्राई कर लूँ, बाकी दूसरी चीज़ें बताऊँगा। तो आप क्या कहते हैं रेशमी कबाब का, आपका ये लोग क्या पसंद कर रहे हैं? हाँ पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो हम कबाब इसमें सर्व करेंगे वो खोया कबाब सर्व करेंगे इसमें हम लोग। अच्छा, खोया कबाब, रेशमी कबाब तो वैसे हमारे नॉर्मल मेन्यू में है, और इसके अलावा हाइटी बुफे में, तो इसमें हम जो सर्व करेंगे खोया कबाब सर्व करेंगे। तो वो भी उतना स्पाइसी नहीं होता खोया कबाब? नहीं, वो इतना स्पाइसी नहीं होता, लेकिन वो मार्केट में है नहीं, और उसका टेस्ट आउट क्लास है। तो मतलब आप लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मेन कोर्स के ऊपर बोल आइटम लेके जो नॉर्मली कहीं और नहीं है, जो कहीं और ना हो, ऐसा ही है। सही है, तो चौमिन, ये वेजिटेबल चौमिन आ गया। ओहो भाई, ये देख सकते हैं वेजिटेबल चौमिन, क्या बात है, ये लीजिएगा वेजिटेबल चौमिन। इस प्रोवाइड करते हैं तो इन केस किसी कस्टमर को किसी कबाब में कंप्लेन आती है कि ठंडा है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम फौरन किचन से डायरेक्ट भी सर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि बुफे में जो है वही खाएंगे। अच्छा, चिकन फ्राइड राइस और इसके साथ जो है वो हमारी, अच्छा इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो ये देखे शेजवान। ये कस्टमर डिमांड होता है, हम लोग मंचूरियन भी सर्व करते हैं इसमें, शेजवान भी करते हैं, शाशलिक भी सर्व करते हैं। आज हमने शेजवान लगाया, कस्टमर की डिमांड चेंजिंग होती रहती है। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मली ये आपकी मेन कोर्स के अंदर, ये मेन कोर्स के अंदर हमने ऐड करा हुआ, ये पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और बुफे में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैकेंजी और सर्विंग रखी है, जिसने लेनी हो सर्विंग एक ले लेते हैं। चीज लवर के लिए तो ये बेस्ट है, चीज लवर, चीज की टॉपिंग अच्छी गई है, बहुत अच्छी करी है इसमें टी की टॉपिंग, जबरदस्त। तो अभी अच्छा निहारी देख सकते हैं, बड़ी क्यूट सी जो है वो छोटी सी देख रखी है हमारे सामने, आ जाए। आप लोगों ने वैसे जो इतनी डाइवर्सिफाई है डिशेज हैं, तो इसमें हर तरह के शेफ रखे हुए हैं आप लोगों ने? हमने हर तरह के, देसी भी है, चाइनीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी है। हाँ, ये लीजिएगा, गार्निशिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। वाह भाई क्या बात है, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो, ऐसा नहीं है कि आपको खाली चाइनीज मिलेगा, देसी के बड़े जबरदस्त आइटम रखे हुए इन्होंने, और इस पर मैं थोड़ा सा गार्लिक, और ये आ गया इसका लीमू। वाह भाई क्या बात है, मैंने प्लेट बना ली है, और आप लोग ने जो है वो खाना है तो आप लोग आना पड़ेगा। इस तरीके से सर्विंग हुई है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, अगर ये मीठे के शौकीन लोग होंगे वो तो मेरे ख्याल से एक ही बजे खाते रहेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खा सकते जितने भी खा सकते। देखे भाई कितने की गुलाब जामुन, गर्म गर्म अभी बने, गर्म गर्म अभी बने, गुलाब जामुन हो गया, जेलीज हो गई बच्चों। सही है, तो और इसके अलावा जो है आपकी ये पेस्ट्रीज हैं? हाँ, ये पेस्ट्रीज है, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज है, हाँ ये टॉफी, मार्शमेलोस, वेफर्स, और ये चॉकलेट का भी आपका फाउंटेन, चॉकलेट फाउंटेन। आपने जो है वो चीज़ें पहले तो बना ली प्लेट, और फिर उसके बाद यहाँ से चॉकलेट उसमें बना के बड़ी ज़बरदस्त प्लेट, और फिर इन्जॉय करें मीठा भी। तो एक कुछ और भी चीज़ें मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आ जाएँ ज़बरदस्त। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट यहाँ से लेना चाहिए वैसे, और ये आ गए सुप्रीमो क्लब सैंडविच, सुप्रीमो क्लब सैंडविच, लंच में अगर सुप्रीमो क्लब सैंडविच ना हो तो फिर तो सही बात है। नहीं नहीं, बहुत बहुत प्यारी बात करी आपने,
ये हो गया हमारे सुप्रीमो ग्लव सैंडविच आ गया, ये स्पेशलिटी हमारी। ये जो आइटम है ना, ये बुफे में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। नहीं, सही कह रहे हैं। फिश, तो ये फिश एंड चिप्स है। फिश एंड चिप्स, ये देखें भाई, फिश एंड चिप्स के लिए भी मैंने आइटम ले लिए हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब हम ये आपके ढाका चिकन, ढाका चिकन जो है वो एक बार रिफिल भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। लोग ज्यादा बहुत पसंद कर रही है ना ये। अब जो है मैं इसमें फ्राइज ऐड कर रहा हूँ। ये बच्चों के आ गया, फ्राइज आ गए, प्लेट में डालते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है, प्लेट काफी लोडेड हो गई है। मैं इसमें फिर भी, अच्छा मुझे आप बताइएगा आप क्या रहता है मेरा। आप नगर से रहते हैं आपके, नगर्स बर्गर। नगर्स बर्गर, मैं इसको हाथ से ही इसी सेल में लेना चाहूंगा। क्या बात है, नगर्स बर्गर। और ये मेरी प्लेट जो है वो फुल रेडी हो चुकी है, फुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, जब सबसे मेन चीज आप भूल गए ना, अच्छा, तो बिल्कुल अधूरा है। हाँ। अगर आप फिश के साथ सॉस ना कहेंगे, डायनामाइट सॉस हो गया। अगर आप ये ना कहेंगे तो फिर तो बिल्कुल अधूरा है। डायनामाइट सॉस के साथ डायनामाइट सॉस हो गया। अच्छा, ये हो गया टार्टर सॉस भाई, ये हो गया डायनामाइट सॉस। मैं इसको देखिएगा, डायनामाइट सॉस हो गया। अच्छा, डायनामाइट सॉस फिश के साथ, अलावा ये आपकी जो दूसरे हैं फिश के साथ है, ढाका चिकन के साथ जा सकते हैं। टार्टर सॉस ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लोग आवाम भी ज्यादा पसंद करती है। ये वाले आइटम ज्यादा रिफिल बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये तो एट अ टाइम हम लोग रिफिल करते हैं, ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये सारे हमने वो आइटम नहीं रखे कि जो किसी को पसंद ना हो, सारे ऐसे आइटम है कि वो हर बंदा ना लेता है। और ये इसके अंदर फिश वाला जो आपने ऐड किया है ना, फिश एंड चिप्स, मैं कहता हूं ये आपने जो है वो दो से तीन ऐसी डिशेस हैं जो कि आपको आपने जो है वो सबसे अलग कर दी है। सबसे अलग कर दिया हमने, फिश हो गई प्लस आपकी जो आपकी मखनी पनीर रेशमी अंडी हो गई, ढाका चिकन हो गया, चिकन हो गई, नगर्स बर्गर हो गए, नगर्स बर्गर हो गया। और इसके अलावा एक और आइटम था आपका, रेशमी कौन सा आपने वो पनीर रेशमी अंडी है। अच्छा, एक कबाब बता रहे थे, खोया कबाब, खोया कबाब, खोया कबाब। तो यार ये वो आइटम्स थे जो कि नॉर्मली कोई भी सर्व नहीं करता बुफे में, तो बिल्कुल भी नहीं करता। वो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, मैं ट्राई करके बताता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो है वो अब बारी आ चुकी है फूड रिव्यू की। तला मेरे साथ जो है वो मेरा पार्टनर है, फूड के अंदर शेयरिंग नहीं करूंगा मैं, अभी बता रहा हूँ। नहीं, आज यहाँ पे बहुत सारा फूड है तो मैं जाके ले आऊँगा, मसला नहीं है। कि मैंने थोड़े थोड़े ले लिए हैं हमारे जो है वो नगेट बर्गर भी आ गया, और ये आपका क्लब सैंडविच, फिश एंड चिप्स, ये हमारी बारबेक्यू विंग्स, फ्राइज, ढाका चिकन, और ये तमाम सॉसेज आ गए। तो शॉर्ट फोकस है वो फिश एंड चिप्स के ऊपर है। इसको लाइन मुझे नहीं, ट्राई करते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। फिश एंड चिप्स का जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली वैसा ही जो नॉर्मली हम अक्सर फिश एंड चिप्स जो है वो हम मंगवाते हैं ना स्टार्टर के अंदर, जो इससे पहले भी ट्राई किया था। टाटा सॉस का गेम एनहेंस हो रहा है, अच्छा सीन है। सारे आइटम के साथ इन्होंने जो है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सॉसेस, सारी चीज़ें रखी हुई। तो अब बारी है फिश एंड चिप्स के बाद इनके बारबेक्यू विंग्स की, ये हम भी ट्राई करें। बारबेक्यू सॉस जो है काफ़ी मज़े का, अंदर तक जो है वो सॉस गया हुआ है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो सॉस में डिप हो रहे हैं, और जो ऊपर से तेल का जायका आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मज़े का है। और क्रिस्पी जो है ना वो इतना नहीं है कि जो है वो कि आप खाली जो है वो उसकी कोटिंग इतनी हैवी होती है ना नॉर्मली। एग्जैक्टली। तो दूसरी दफ़ा चक्कर में ये तो लेके आ रहा हूँ, है ना, कन्फर्म। क्लब सैंडविच और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी हुई है ना, हाँ, ये बहुत कम देखने को मिलती है। क्लब सैंडविच के अंदर तो आपको पता है कि हर जगह खाने को मिल जाते हैं, मगर प्रेजेंटेशन बोल रही है कि काफ़ी दिल से बने हुए हैं। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो चिकन है आई थिंक वो ग्रिल्ड है। अच्छा, इसके अंदर देखो मैं आपको क्लोजली भी दिखा देता हूँ, एक ग्रिल गया हुआ है, एक उसके जो है वो चीज़ की लेयर भी गई हुई है, बाकी जो है वो नॉर्मल जो क्लब सैंडविच की जिस तरीके से मेकिंग होती है सारी वो चीज़ें। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बात है, वो जो बेसिक क्लब सैंडविचेस होते हैं उनसे काफी मुख्तलिफ है, काफी बेहतर है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे आइटम्स के अंदर लंच में सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम भी यही है, जो कि मुझे पता लगा। उसकी वजह क्या थी वो मुझे पता लग गई कि जिस तरीके से जो उसके डबल लेयर गई हुई चिकन की, चीज और सॉसेस, और नेक्स्ट लेवल यार। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ क्या ट्राई करूँ, ऐसा सारी चीज़ें ट्राई करके रिव्यू नहीं दे सकूँगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकूँ। अभी ट्राई करूँ स्लाइडर्स, इसको आप कहें नगेट्स बर्गर, और इसके अंदर जो है वो इनके सॉस गया हुआ है, और मुझे आइसबर्ग भी नज़र आ रहा है इसके अंदर।
तो चलो ट्राई करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ इज इट? बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है। नाइस। मतलब नगेट्स नॉर्मली बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। स्लाइडर्स इस तरह की चीज होती है कि आपकी जो है वो हमारे लिए तो 1/2 बाइट के हिसाब से ही है। बिल्कुल। तो फूड की सिलेक्शन बहुत अच्छी करती है इन्होंने। अभी ट्राई नहीं किया था। नहीं, मैंने ट्राई ट्राई करो। हां, सुंदर मंदिर। भैया का सेम टेस्ट वैसे जैसे हम नॉर्मली रेशमी बोटी जो होती है ना हमारी, ताकि प्रॉपर जो है वो टेंडर हुआ हुआ है। उसके अंदर कोई इतने मसाले नहीं होते, स्पाइस नहीं होते, बिल्कुल लाइट है। फूड की आइटम्स की जो है ना इनके पास काफ़ी अच्छी। मैं सबसे ज़्यादा जो है एक्साइटेड हूँ इनकी चिलमन बिरयानी ट्राई करने में, जो कि इन्होंने कहा था कि यार ये हमारी जो है वो सिलेक्शन है, हमने जो है वो इसको नाम दिया हुआ है चिलमन बिरयानी का। मुझे ये वाव करती है नहीं करती, मैं ट्राई करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, चेक कराओ इसका जो मीट है ना, मैं करूँगा उसके उसके बगैर मत लेना। आइडिया हो गया होगा तुम्हें। दिस इज गुड यार। बॉम्बे बिरयानी होती है ना वैसी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। और मसाले जो है वो लिखने में लग रहा है कि इतने स्पाइसी नहीं है, मगर मीट का फ्लेवर काफ़ी अच्छा है यार। एग्जैक्टली, काफ़ी है ना, ब्राइट से वाइट वाइट से चावल लग रहे हैं। हाँ, लेकिन टेस्ट है, फ्लेवर है, फ्लेवर है। इसने इंप्रेस किया है, मतलब दिखने में आपको कुछ ऐसी होती है जो फील नहीं करती होती, मगर ट्राई करने के बाद ये वो अच्छा जबरदस्त। अगर नाम यूनिक है तो बिरयानी भी यूनिक है। मगर ये अभी जो मेरे पास आइटम आए हैं ना, ये थोड़े से जो है आपको लग रहा हो मसाले कम है, मगर ये आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है, क्योंकि जब हमने बिरयानी देखी थी ना उसको, तो बड़े मसाले रिच थे उसके अंदर, तो ये तला जो है अपने हिसाब से निकाल के लिया है। तो अब जो है वो मैं बड़ा मुश्किल है एंड में, वैसे मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन तो दे दूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आइटम ट्राई करें। निहारी, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो वाले रिव्यूज़ दे सकूँ, क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे हो ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो ये एक्चुअली चिकन निहारी, जो हम बीफ निहारी होती है ना, उसके उसकी जो निहारी की जो ग्रेवी होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच होती है, क्योंकि बीफ इटसेल्फ काफ़ी हैवी होता है। Exactly. तो चिकन निहारी का जो फ्लेवर होता है नॉर्मली ऐसे ही कंसिडर किया जाता है। तो मैं वैसे बीफ निहारी लवर हूँ, तो पर्सनली वैसे कहूँ तो यार ओवरऑल सीन अच्छा है। चाइनीज़ का भी मेरा राइट नाउ मूड नहीं हो रहा, तला लेकर आया, तला इसको फिनिश करेगा। मैक एंड चीज़ और मेन्यू काफ़ी चीज़ें, डिज़र्ट की जो है वो हमने अपनी सिलेक्शन रख के रखी है यहाँ पर। तो ओवरऑल सीन यार काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नॉर्थ के अंदर आप मौजूद हैं या फिर नॉर्थ से बाहर दूसरे लोग जो देख रहे हैं, क्यों तो नॉर्थ वालों के लिए तो मैं कहता हूँ कि तंदूर की तरफ से अभी जो है वो एक्सक्लूसिव चल रहा है ये। उसके बाद कुछ प्राइस टाइम के बाद प्राइस भी जो है वो रिवाइव हो जाएंगे। अभी जो सीन ऑन है, आएँ ट्राई करें। और मेरी रिकमेंडेशन एंड के अंदर मैं बता चलूँ, अगर आप लोग जो है वो अगर चिकन के जो है वो अपने बारबेक्यू सॉसेस के साथ ट्राई करनी है तो मस्ट रिकमेंडेड है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। फ़िश के आइटम ने तो इनको अलग कर दिया दूसरों से, एक तो ये चीज़ प्लस क्लब सैंडविच। मैं कहूँगा 10 में से तुम कितने दोगे क्लब सैंडविच नंबर? 8 out of 10। और मैं कहूँगा इसको 9 नंबर, क्योंकि हर किसी के डिफरेंट चॉइसेस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ विंग्स जो है वो 10 out of 10। अच्छा, मैं विंग्स को जो है वो मुझे पर्सनली जो है वो इतना ज़्यादा वो मैं 8.5 दे दूँगा। ओके, मगर मुझे क्लब से बहुत इंस्पायर किया। हर किसी के डिफरेंट चॉइसेस, आप आएंगे आपको हो सकता है कुछ अच्छे लगे, डेजर्ट में कुछ अच्छा लगे, चाइनीज़ भी है, हर तरह की देसी। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं। मुझे तलाव को टीम को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।